अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मंदिस बचाओ तहरीक के स्पोक पर्सन हमजदुल्ला खालिद संगारेड्डी में राशन किट तकसीम किए हैं। यहाँ के जिम्मेदारों की जानिब से इनको बुलाया गया और प्रजा दरबार भी रखा गया, जहाँ पर यहाँ के लोगों के परेशानियों को सुना गया और बहुत जल्द इनके मसलों को हल करने की बात की गई। वाज़ह रहे कि प्रजा दरबार को लेकर शहर हैदराबाद में बड़ी बातें हो रही है और कई लोग परेशान हैं कि प्रजा दरबार जिस तरह से अमजदुल्ला खालिद चला रहे हैं और जिस तरह से अवाम के मसले हल हो रहे हैं, इससे कई लोग परेशान हैं। जबकि चाहिए ये था कि प्रजा दरबार के साथ साथ ये भी लोग काम करें, अवाम के मसलों को हल करें। जिसके पास पावर है, ताकत है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं पर अमजदुल्ला खालिद अहले खैर लोगों के ज़रिए अवाम तक पहुंच रहे हैं और उनके परेशानियों को सुन रहे हैं। बहरहाल संगारेड्डी के इलाके में यहाँ पर भी प्रजा दरबार लगाया गया और कई लोगों के मसलों को सुना गया और तवक्कु दिलाया गया कि बहुत जल्द उनके मसलों को हल किया जाएगा। इसके अलावा 100 राशन किट को भी तकसीम किया गया यहाँ के गरीब लोगों में। बात आज़ा मीडिया से बात करते हुए इन्होंने ये सारे तफसीलात बताई, देखते हैं। सपोर्ट क्या नाम है बच्चे का? मेर। 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 क्या एज है? 15 साल। का नाम क्या? क्या प्रॉब्लम क्या है बच्चे को? क्या कराना चाह रहे हैं? तो इससे पहले ऑलरेडी कहीं बताए, कोई हॉस्पिटल उनके हॉस्पिटल को बताए। आप वालिद हैं? क्या प्रॉब्लम है बच्चे को? बच्चे को बात नहीं आती, बात समझ में नहीं आती। थोड़ा उस तरफ पड़ती है। कैसा हुआ यहाँ का ये बच्चा? बताओ पैदाइशी बच्चे को। आप एक चेयर डालो, यहाँ एक चेयर डालो, बैठो। आप बैठो, पहले बैठो आप, जरा आप बैठो जी। आप ये बोलिए, बच्चे को पैदाइशी बात करना नहीं आता, ठीक है? और ये आँख अब ये हाल ही रमजान में पहले आँख डैमेज हुई, तो किसको बता रहे हैं आप? हमारे हेलवी आई हॉस्पिटल। क्या बोले वो लोग? इन्फेक्शन बहुत हो गया। हाँ, अभी क्वेश्चन करते बोल के बोले और ग्राफा लिख के दी। किसको बताया वहाँ पर? कौन से डॉक्टर को बताए? आपके नो रिकॉर्ड है इनका? आपको कुछ ऑपरेशन, कुछ पैसे लगते हैं, ऑपरेशन करना पड़ता बोले ना? उसके बाद 15 वर्ष के बाद जाने का है, उसके बाद बोलते हैं बोले। नहीं, आपको अगर कुछ ऑपरेशन की पैसे वैसे की जरूरत पड़ रही है आपको, आप अच्छा इलाज कराओ, क्योंकि सबसे बेहतर दवाखाना है, बड़ा दवाखाना है वो हैदराबाद का एवी आई हॉस्पिटल। अगर वहाँ पर और एक सेकंड थर्ड भी हमारे डॉक्टर माज बोल के हमारे दोस्त हमारे बड़े भाई तो उनको भी अपन बताएंगे एक बार। आप ये बच्चे को लेकर हैदराबाद कब आते? अब अगर आप बोलो तो जाओ बोलो, कल परसों कभी भी ला लो। एक हमारे अपने नलगुंडा बस स्टॉप पे डॉक्टर माज बोल के एक, अरे चल चलो चलो हेलो हेलो खाला तुम लोग नहीं यहाँ से नहीं बोलो।
पूरे खलास हो जाते। चलो भाई चलो। हेलो चना दर कर रहा मैं, दे रहा हूँ मैं आपको, आपको मैं दे रहा हूँ। चलो उधर जाओ, उधर जाओ, एक जरा सबर करो। चल रहे चल लिया ना, ले 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 भाई बोलते हेलो साला, हेलो भाई, चलो आज हम बाहर आ जाओ, माइक में सफर करो। एक मिनट बोलते भाई, चलो आंटी जल्दी आ। आ जाओ अंकल, आप इधर आओ जी। है ना, ठे का रास्ता है, वहाँ कभी भी आ सकते हैं। तो मैं हमारे डॉक्टर रोस साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मजलिस बचाओ तहरीक के सदर हैं हमारे जनाब वहीद अली साहब हैं। आज जो राशन किट्स यहाँ पर संगारेड्डी में बांटे गए हैं, इन्हों इनके भाइयों की तरफ से राशन किट्स दिए हैं। तकरीबन एक एक राशन किट में जो है 9 आइटम्स है, कितने 18 आइटम्स है। चावल है उसमें, आटा है उसमें, यानी एक फैमिली जो वाइफ एंड हस्बैंड 4-5 फैमिली मेंबर्स है, तकरीबन एक महीना खा सकते। तो अब आज और कुछ लोग बच गए हैं, उनकी हम लिस्ट बनाएंगे इंशाल्लाह, फिर एक 2-4 दिन में और भिजाने की कोशिश करेंगे। हमारे डॉक्टर साहब बोलिए, कुछ बोलना है तो आप। मैं मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने मसरूफियात के बावजूद भी संगारेड्डी में वक्त दिए हैं। मैं इंशाल्लाह ताला दिल की गहराइयों से खालिद का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लोग साहिब इस्तेताद है जो दिए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये आइडेंटिफाई करके रखिए आप, इंशाल्लाह ताला जैसे ही मेरे पास कुछ लोग आएंगे उनका आधार कार्ड वगैरह लेके आइडेंटिफाई करके खालिद को फॉरवर्ड करूँगा। मकानदार का नाम नंबर भी। कुछ लोग किराए की उसमें अगर मजबूर हैं तो उनके किराए के लिए, कुछ लोग जिस्मानी माजूर हैं तो उनके इलाज के लिए जो भी हम हो सकता, मैं खालिद भाई से अप्रोच होके मेरी इल्तिजा है कि संगारेड्डी के लोगों को खालिद को साथ। और एक बड़ी चीज़ यह है कि हमारे डॉक्टर साहब से जो है बहुत बड़ा काम लिया जा रहा है। अल्लाह ताला ये सामने जो तामीर हो रही है, तो ये जो है मदरसे अलमान है, आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये तकरीबन कुछ दिन से रुकी हुई थी, कुछ फाइनेंशियल इंतज़ाम नहीं हो रहा सक रहा था। ये जो जामा मस्जिद है संगारेड्डी, उसके सामने ये मदरसे की तामीर भी आप देख सकते हैं कि छत पड़ गया है। तो मेरा आने का एक और एक मकसद ये है कि मदरसे की तामीर गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब के एक सच्चे आशिक है। तो आज भी मैं देख कर हैरत करता हूँ कि जब भी हम इनको कॉल करते इनके DP में जो है खान साहब की फ़ोटो है। बहुत चाहते थे खान साहब इनको, तो ये उनके अपने क़ायद के नाम से मदरसा बना रहे हैं। तो बगैर किसी चंदे के और कोई धंधे के इन अपने ज़ाती सरफे से बना रहे हैं। बीच में कई लोग इलेक्शन में ये मदरसे की फ़ोटो डाल के डॉक्टर गौस कब्ज़ा कर लिए, वारसा करे, बहुत सारे सोशल मीडिया पे है, उनके लिए एक मुँह पे तमाचा है। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि तामीर हो रही है। मैं मुबारकबाद देता हूं और दुआएं करता हूं कि जल्द से जल्द ये तामीर हो और इसमें बच्चे